गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कहानी में पढ़ा कि गफ्फूर लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ और वह एक मुट्ठी भर अर्थात चावल या भोजन खाना चाहता था। तारक रत्न के हाथों में चावल व फलों की गीली पोटली की ओर इशारा करते हुए गफ्फूर ने कहा, क्या खाना चाहता है? बेशक जैसा मालिक वैसा ही जानवर। खाने को घास का एक तिनका भी नहीं है और चावल तथा फल चाहिए। उसे कहीं और ले जाकर बांधो। क्या सींग है? किसी दिन वह किसी न किसी से सींगों से घायल कर देगा और उसे मार डालेगा। सावधानी पूर्वक हटते हुए पंडित जी शीघ्रता से वहां से बाहर निकल गए। उनकी ओर दृष्टि हटाकर गफ्फूर खामोशी से महेश की ओर देखता रहा, जिसकी दो गहरी भूरी आंखों में पीड़ा भूख भरी भी थी। एक मुट्ठी भर भी नहीं दिया। बैल की गर्दन और पीठ को थपथपाते हुए वह बुदबुदाया, तुम तो मेरे बेटे हो महेश। वह बोला, तुम 8 साल तक हमारी सेवा करके बूढ़े हो चले हो। मैं तुम्हें भरपेट खाना भी नहीं दे सकता, इसलिए तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, जानते हो ना? महेश ने केवल अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी और आनंद से आंखें मूंद ली। इस प्रकार की कहानी अभी तक हमने पढ़ी थी। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो पैराग्राफ शुरू होता है, टेल मी से हम बात करेंगे। टेल मी वेंट ऑन गफ्फूर, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रीडफुल ईयर्स इफ आई लेट यू लूज यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी और मंचिंग देयर बनाना लीव्स। मुझे बताओ, गफ्फूर कहता गया, इस भयानक वर्ष में मैं तुम्हें जीवित रखूं। यदि मैं तुम्हें खुला छोड़ दूं, तो तुम दूसरे लोगों के धान को खाना या उनके केलों के पत्तों को चबाना शुरू कर दोगे। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, नोबडी वांट्स यू। तुम्हारी शक्ति में शक्ति नहीं रही, कोई तुम्हें नहीं लेगा। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, लोग मुझे तुम्हें पशु बाजार में बेचने को कहते हैं। एट द वेरी आइडिया हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स अगेन, इस विचार मात्र से उसकी आंखों में पुनः आंसू भर आते हैं। वाइपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड एंड लुक्ड दिस वे एंड दैट, ही फेस्ड ए टाइनी बंच ऑफ डिसकलर्ड ओल्ड स्ट्रॉ फ्रॉम बिहाइंड द हट। ईट इट क्विकली माई चाइल्ड, अदरवाइज ही सेड सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश। अपने आंसुओं को हथेली की पीठ से पहुँचते हुए और इधर उधर देखते हुए झोपड़ी के पिछवाड़े से छोटा सा पुराना बदरंग घास का गुच्छा ले आया। मेरे बच्चे, इसे जल्दी से खा लो, वरना उसने उस पुआल को महेश के सामने डालते हुए कोमलता से यह बातें कही। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड हैं, एलाइव, ALIVE, एलाइव का अर्थ होता है जीवित, लिविंग, ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का अर्थ होता है भयानक, फियरफुल, लेट लूज खुला छोड़ना, सेट फ्री स्ट्रेंथ शक्ति, कैटल मार्केट मवेशी बाजार या जानवरों का बाजार, फेच जाकर लाना, डिसकलर्ड बदरंग, अदरवाइज अन्यथा। नाउ फादर व्हाट इज इट, पिताजी यह क्या है? कम एंड ईट, आंसर्ड गफ्फूर्स डॉटर लुकिंग आउट ऑफ द डोर, आओ खा लो,
गफूर की बेटी ने दरवाजे से झांकते हुए कहा, वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रॉ फ्रॉम द रूफ, तुमने महेश को फिर से अपने छप्पर का घास क्यों दे दिया? ही हैड फियर्ड एज मच इट्स ओल्ड स्ट्रॉ इट वॉज रोटिंग अवे, ही आंसर्ड एशेम्ड, उसे इस बात का डर था, ये पुराना घास है, ये सड़ रहा था, उसने शर्मिंदा होते हुए उत्तर दिया, इफ आई हियर यू पुलिंग इट फादर। ही हैड फियर्ड एज मच इट्स ओल्ड स्ट्रॉज इट वॉज रूटिंग अवे, ही आंसर्ड एशेम्ड, आई हियर्ड यू पुलिंग इट फादर, नो डार्लिंग इट वॉजेंट एक्सैक्टली। यानी कहने का अर्थ है कि उसे इसी बात का डर था कि ये पुराना घास है, ये सड़ रहा था, उसने शर्मिंदा होते हुए उत्तर दिया, मैंने तो तुम्हें उसको खींचते हुए सुना था, बाबा नहीं बेटी ऐसा तो नहीं है, बट यू नो फादर द वॉल विल क्रम्बल, लेकिन तुम तो जानते हो पिताजी कि दीवार ढह जाएगी। गफूर वाज साइलेंट, गफूर चुप था, ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, उसके पास झोपड़ी के सिवाय और कुछ भी नहीं बचा था, हु न्यू बेटर देन ही दैट अनलेस ही वॉज केयरफुल इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन, एंड येट व्हाट गुड वॉज इट रियली। यानी कहने का अर्थ है कि उससे बेहतर इस बात को कौन समझता है, यदि उसने सावधानी नहीं बरती तो यह दीवार अगली बरसात झेल नहीं पाएगी, इसके बावजूद वास्तव में यह भला किस काम का था। वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, हाथ धोकर आओ और खा लो, आई हैव सर्व्ड यू फूड सेड द लिटिल गर्ल, मैंने तुम्हारे भोजन के लिए परोस दिया है, उस नन्ही बच्ची ने कहा, यानी उस नन्ही बच्ची ने कहा मैंने तुम्हारे लिए भोजन परोस दिया है, अतः लगा दिया है, गिव मी द राइस वाटर लेट मी फीड हिम, चावल का मांड मुझे दे दो मैं उसे पिला दूं, देयर इज नन फादर इट हैज ड्राइड अप इन द पॉट, है ही नहीं पिताजी यह बर्तन में ही सूख गया है, नियरली ए वीक हैड पास्ड, लगभग एक सप्ताह बीत चला था, गफूर वॉज सीटिंग इन द यार्ड सिक ऑफ द बॉडी एंड एंग्जियस, गफूर शरीर से बीमार और चिंतित आंगन में बैठा हुआ था, महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, महेश कल से ही नहीं लौटा था, ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, वह स्वयं तो असहाय था, अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बोल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, अमीना जल्दी सुबह ही बैल को हर जगह ढूंढती फिर रही थी, द इवनिंग शेडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग वेन शी केम होम,
उसके घर पहुंचते पहुंचते शाम की छाया उतर रही थी, अच्छा शाम की छाया आ चुकी थी। हैव यू हियर्ड फादर मनिक घोष हैज सेंट महेश टू द पुलिस पेन सी सेड। क्या तुमने सुना है पिताजी, मनिक घोष ने महेश को कांजी हाउस, जिसको अपन बोलते हैं पुलिस पेन, अतः काजी का जो मकान है काजी हाउस भिजवा दिया है। वह बोली, नॉनसेंस, बेतुका या बकवास। यस फादर इट इज ट्रू, हाँ पिताजी यह सच है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उनके नौकर ने मुझसे कहा, टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर। उसने नौकर ने मुझसे कहा कि अपने पिताजी से कहना कि बैल को दरियापुर में ढूंढे। वाट डिड ही डू, किया क्या था उसने। ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर, वह उनके बगीचे में चला गया था पिताजी। एट द एंड ऑफ थ्री डेज दे से द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट, ऐसा कहते हैं 3 दिन के बाद पुलिस उसे पशु बाजार में बेच देगी। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन, अमीना को मालूम नहीं था कि पशु बाजार का क्या मतलब है। शी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस व्हेनेवर इट वॉज मेंशन इन कनेक्शन विथ महेश, बट टूडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग एनी वर्ड। जब कभी महेश के संदर्भ में इसका जिक्र होता तो वह अपने पिताजी को बेचैन सा होता हुआ महसूस करती थी, लेकिन आज तो बिना कुछ कहे ही वह बाहर निकल गए। अंडर द कवर ऑफ नाइट, रात्रि के अंधकार की आड़ में गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंसीज शॉप, यानी रात्रि के अंधकार की आड़ में गफूर चुपके से बंसी की दुकान पर पहुंच गया। अंकल यू विल हैव टू लेंड मी ए रुपी सेड ही, चाचा आपको मुझे 1 रुपया उधार देना होगा। सेड ही उसने कहा, पुटिंग डाउन ग्रास प्लेट अंडर द सीट, गद्दी के नीचे एक पीतल की थाली रखते हुए उसने ये बात कही। बंसी वाज वेल एक्विटेंट विथ दिस ऑब्जेक्ट, यानी बंसी इस वस्तु से भली भांति परिचित था। इन द लास्ट 2 ईयर्स ही हैड लेंट रूपी एटलीस्ट 5 टाइम्स ऑन दिस सिक्योरिटी, पिछले 2 वर्षों में कम से कम 5 बार तो वह अपनी जमानत पर एक एक करके रुपया दे चुका था। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टूडे आइदर, आज भी उसे कोई एतराज नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वॉज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन,
अगली सुबह महेश फिर से अपनी रोज की जगह दिखाई दिया। एन एल्डरली मैन वाज एग्जामिनिंग हिम विथ वेरी शार्प आईज। एक बूढ़ा आदमी बेहद तीखी नज़रों से उसको परख रहा था या जांच कर रहा था। नॉट फॉर अवे वन ऑन वन साइड गफूर सेट ऑन द ग्राउंड ऑल हंज्ड अप। पास ही एक तरफ गफूर पूरी तरीके से उकड़ू बैठा हुआ था। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर। जांच परख करने के बाद द ओल्ड मैन अनटाइड ए 10 रुपीज नोट। यानी बूढ़े आदमी ने अनटाइड खोला ए 10 रुपीज नोट फ्रॉम कॉर्नर ऑफ हिज शॉल। अतः एक कोने से शॉल की से, यानी कहने का अर्थ है बूढ़े आदमी ने अपनी शॉल के एक कोने से 10 रुपए का नोट निकाला, या यूँ कह सकते हैं कि बूढ़े आदमी ने अपनी चादर के एक कोने से 10 रुपए का नोट निकाला। एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन सेड हेयर टेक दिस आई शैंट टेक एनी ऑफ आई एम पेइंग द फुल प्राइस। और बार बार उस पर हाथ फेरते हुए बोला ये ले लो मैं कुछ नहीं घटाऊंगा मैं पूरी कीमत अदा करता रहूंगा। प्यारे बच्चों इसमें जो कठिन वर्ड्स आए हैं ध्यान दे लें। एक शब्द है सीक्रेटली secretly सीक्रेटली का अर्थ होता है चुपके से गुप्त रूप से। केम राउंड पहुंचा यानी केम टू द प्लेस। ब्रास प्लेट पीतल की थाली। तो यहाँ पर जो शब्द है ग्रास प्लेट गलती से छप गया है उसकी जगह शब्द है ब्रास प्लेट। एक्वेटेंट ए सी क्यू यू ए आई एन टी ई डी। एक्वेटेंट का अर्थ है परिचित। सिक्योरिटी जमानत। ऑब्जेक्शन आपत्ति। एग्जामिन जांच करना। हॉन्स्ड अप एच यू एन सी एच ई डी। हॉन्स्ड अप का अर्थ होता है झुकावा या उकड़ू। अनटाइट खोला। स्मूथिंग हाथ बनाते। टेक ऑफ घटना या कम करना। स्ट्रेचिंग फैलाते हुए। नाउ द नेक्स्ट बिगिन स्ट्रेच हिज हैंड। गफूर टुक द मनी बट रिमेन्ड साइलेंट। गफूर ने अपना हाथ बढ़ाकर रुपए तो निकाल लिए लेकिन चुप रहा। एज द टू मैन हु केम विद द ओल्ड मैन वर अबाउट टू टेक द रोप राउंड द एनिमल्स नेक सडनली ही स्टूड बोल्ड अप राइट डू नॉट टच द रॉप। बूढ़े के साथ आए दो व्यक्ति जैसे ही जानवर के गले में बंधी रस्सी पकड़ने को हुए अचानक एक आदमी सीधा खड़ा हो गया। डू नॉट टच दैट रॉप। उस रस्सी को हाथ मत लगाना। आई टेल यू मैं कह देता हूँ बी केयरफुल होशियार रहना सावधानी रहना। आई वॉर्न मैं चेतावनी देता हूँ। क्राइड आउट हॉरेसली अर्थात वह कर्कस आवाज में चीखा। दे वर टेकन अबैक व्हाई आज द ओल्ड मैन इन सरप्राइज। वे लोग चकित रह गए क्यों उस बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। देर इज नो वाई टू एट ही इज माई प्रॉपर्टी आई शैल नॉट सेल हिम इट्स माई प्लेजर ही आंसर्ड इन द सेम टर्म एंड थ्रू द नोट अवे। शानदार क्योंकि बात मत करो
वह मेरी संपत्ति है, मैं उसे नहीं बेचूंगा, ये मेरी मर्जी है। उसने उसी अंदाज में उत्तर दिया और नोट को फेंक दिया। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, ऑल थ्री सेड इन चोरस। लेकिन कल तो तुम पेशगी वाले रुपए स्वीकार करके ले गए थे। तीनों ने एक स्वर में कहा, टेक दिस बैक, ही आंसर्ड, फ्लिंगिंग द टू रुपीज अक्रॉस टू देम। ये भी ले लो, उसने उनके ऊपर दो रुपए फेंकते हुए ये बातें कही। द फूर बैग्ड फॉर प्राइस, पापा ध्यान दें, द फूर बैग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर्स एंड फीड महेश। गफूर ने पड़ोसियों से चावल का मांड मांगा और महेश को खिलाया। पैटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स ही विस्पर्स रेग्यू साउंड्स ऑफ एंडारमेंट टू हिम। उसके सिर पर सींगों को थपथपाते हुए उसने उसे स्ने भरे शब्दों से फुसफुसाते हुए ये बात कही। इट वॉज अबाउट द मिडल ऑफ जून, जून का लगभग मध्य समय आ चुका था। नोबडी हु हैज नॉट लुक्ड एट एन इंडियन समर स्काई विल रियलाइज हाउ टेरिबल, हाउ अनरेलेंटिंग द हीट कैन बी। अर्थ है कि जून का लगभग मध्य समय आ चुका था जिसने भारत की ग्रीष्म ऋतु का अवकाश नहीं देखा था, वह कभी नहीं समझेगा कि गर्मी कितनी भयंकर और कितनी कठोर हो सकती है। नॉट ए ट्रेस ऑफ मर्सी एनी वेयर, यानी कहने का अर्थ है कि कहीं भी जो दया है वो दिखाई नहीं देती, यानी कहने का अर्थ है कि कहीं भी दया का एक चिन्ह भी नहीं था। टुडे इवन द थॉट दैट समडे दिस एक्सेप्ट ऑफ स्काई वुड चेंज, दैट इट वुड बिकम ओवरकास्ट विथ सॉफ्ट मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स वॉज इम्पॉसिबल। आज तो ये सोचना भी असंभव प्रतीत होता था कि किसी दिन आसमान पर यह रूप बदलेगा और इस कोमल नमी भरे बादल छा जाएंगे। इट सीम्ड एज दो द होल ब्लेजिंग स्काई वुड गो ऑन बर्निंग डे आफ्टर डे एंडलेसली टू द एंड ऑफ द टाइम। कहने का अर्थ है ऐसा लगता था जैसे तपता हुआ आसमान प्रतिदिन अनंत रूप से कालांतर तक जलता रहेगा, अतः बहुत तेज गर्मी रहती रहेगी। गफूर रिटर्न होम एट नून, गफूर को दोपहर के समय घर लौटा, यानी गफूर रिटर्न होम एट नून, दोपहर को गफूर घर लौटे आया। ही वॉज नॉट यूज्ड टू वर्किंग एज ए हायर्ड लेबरर एंड इट वॉज ओनली फोर और फाइव डेज सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन। उसे किराए के मजदूर के रूप में काम करने का अभ्यास नहीं था और उसके बुखार को उतरते हुए मुश्किल से चार या पांच दिन ही हुए थे। हिज बॉडी वीक एंड टायर्ड, उसका शरीर अभी भी कमजोर और थका हुआ था। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क बट इन वेन, वह
काम की तलाश में बाहर गया था, लेकिन सारी चीज़ें व्यर्थ थी, बेकार थी। ही हैड नो सक्सेस, उसे सफलता नहीं मिली थी। हंग्री, थ्रस्टी, टायर्ड, एवरीथिंग वॉज डार्क बिफोर हिज आईज। इज द फूड रेडी अमीना डियर, ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्ट यार्ड। भूखा, प्यासा, थका हुआ, उसकी आंखों के सामने हर चीज एक ऐसा है नजर आती थी। खाना तैयार है क्या अमीना बेटी, उसने आंगन से पुकारते हुए ये बातें बोली। विदाउट आंसरिंग हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। बिना कोई उत्तर दिए उसकी बेटी चुपचाप बाहर आई और दीवार से लगकर खड़ी हो गई। इज द फूड रेडी, गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर। खाना तैयार है, बिना उत्तर पाए ही गफूर ने दोहराया। व्हाट डू यू से, नो वाई, क्या कहती हो, नहीं क्यों, नो राइस। वाई डिड नॉट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, चावल नहीं है, तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया। वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, क्यों, मैंने तुम्हें पिछली रात को ही बताया था। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक्ड गफूर, मैंने पिछली रात्रि को बताया था। गफूर ने उसकी नकल उतारते हुए ये बात कही। हाउ एम आई रिमेम्बर वाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, पिछली रात को तुम्हारी कही गई बात मुझे कैसे याद रहेगी। हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट एट द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस, अपनी ही आवाज़ को सुनकर उसका क्रोध उग्र से उग्र हो गया, अतः बहुत तेज हो गया। ऑफ कोर्स, निरंतर, निसंदेह, देयर इज नो राइस, वास्तव में चावल नहीं है। ही ग्रोवर्ड, वह गुर्राया, तेज गति से चिल्लाया। विथ हिज फेस मोर डिस्टॉर्टेड देन एवर, वह मुखाकृति को पहले से भी अधिक विकृत बनाते हुए बोला, अतः अपने चेहरे को विचित्र तरीके से बनाते हुए वह बोला। व्हाट डज इट मैटर वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, तुम्हारे पिताजी खाएं या न खाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है। बट द यंग लेडी, यू मस्ट हैव हर थ्री मील्स, लेकिन नौजवान बेटी या नौजवान लड़की, आपको तो दिन में तीन बार खाना खाने के लिए चाहिए। इन द फ्यूचर आई शेल लॉक अप द राइस व्हेन आई गॉट आउट, यानी भविष्य में आगे से बाहर जाते समय मैं चावल को तालों में बंद करके जाया करूँगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, यू हैवेंट एनी वाटर और आइदर, या तेरे पास पानी भी नहीं है। अतः कहने का अर्थ है, ला थोड़ा पानी ही पिला, प्यास से जान निकली जा रही है, या तेरे पास पानी भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं, थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे। लीनिंग, एल ई ए एन आई एन जी, लगकर, रिपीटेड, दोहराना, मिमिक्ड, एम आई एम आई सी के ई डी, मिमिक्ड का अर्थ होता है नकल करना, इमिटेट, रिमेम्बर आप जानते हैं, याद रखना, वायलेंट उग्र,
ग्रोवर्ड GROWLED, ग्राउल्ड का अर्थ होता है गुर्राया, ग्राउल्ड GROWLED, ग्राउल्ड गुर्राया। डिस्टॉर्टेड का अर्थ होता है विकृत। बाउड झुकी हुई, रियलाइजिंग महसूस करते हुए। रशिंग एट झपटते हुए। स्लैप्ड का अर्थ होता है थप्पड़ मारना। और रेज शब्द का अर्थ होता है अभागी या बेचारी भी कहा जा सकता है। तो ये वर्ड्स हैं, आप इनको अच्छी तरीके से ध्यान देंगे और याद करने का भी आप प्रयास करेंगे ताकि आप इन पर अच्छी पकड़ बना सकें, क्योंकि बिना वर्ड्स के कुछ भी संभव नहीं है। जो भी चीज़ बताई जाती है उसको आप प्रॉपर वे में याद करने का प्रयास करें। नाउ द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, वह लड़की एक शब्द भी नहीं बोली। शी टुक द एम्पटी अर्थन पिचर एंड वेंट आउट इन टू द आफ्टरनून सन क्वाइटली वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स। यानी वह लड़की एक शब्द भी नहीं बोली, उसने मिट्टी का खाली घड़ा उठाया और चुपचाप अपने खामोश आंसू पोंछती हुई दोपहर की कड़ी धूप में बाहर निकल गई। द मोमेंट शी वॉज आउट ऑफ साइट हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विथ रिमोर्स। उसकी आंखों से ओझल होते ही उसके पिताजी पश्चाताप से भर उठे। ही एलोन न्यू हाउ ही हैड ब्रॉट अप दैट मदरलेस गर्ल। सिर्फ वही जानता था कि कैसे उसने उस बिना माँ की बच्ची को पाला पोसा था। ही न्यू दैट दिस अफेक्शनेट ड्यूटीफुल क्वाइट डॉटर ऑफ हिज वॉज नॉट टू ब्लेम। वह जानता था कि उसकी इस स्नेह में कर्तव्यनिष्ठ शांत बेटी का कोई कसूर नहीं था, कोई आरोप नहीं था। दे हैड नेवर हैड एनफ टू ईट इवन वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड। जब उनके पास चावल होते भी थे तब भी उनके पास भोजन पूरा नहीं पड़ पाता था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट थ्री टाइम्स ए डे, एक दिन में तीन बार भोजन करना असंभव था। नॉर वॉज ही अनअवेयर ऑफ द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर। पानी न होने के कारण से भी वह अनजाना नहीं था, अतः ये बात नहीं थी कि उसको पता नहीं है कि ये कारण किस कारण से हुआ। टू ऑफ थ्री टैंक्स इन द विलेज हैड ड्राइड अप। गांव के तीन तालाबों में से तो दो पूरी तरीके से सूख चुके थे। द लिटिल वाटर दैट देयर वॉज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ शिबू बाबू वॉज नॉट फॉर द पब्लिक। शिबू बाबू के निजी तालाब में जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वह आम जनता के लिए नहीं था। ए फ्यू होल्स हैड बीन डग एट द बॉटम ऑफ अदर टैंक्स बट देयर वॉज सच क्राउडिंग एंड जॉसलिंग फॉर द लिटिल वाटर दैट दिस चिट ऑफ ग्रल कुड नॉट इवन अप्रोच देम। दूसरे तालाबों के तल में कुछ गड्ढे खोद दिए गए थे लेकिन वहाँ उस थोड़े से पानी के लिए इतनी भीड़ और धक्का मुक्की होती थी, यानी बहुत तेज धक्का मुक्की होती थी।
और उस नन्ही सी लड़की के लिए वहाँ तक पहुँचना असंभव होता था। यानी कहने का अर्थ है कि कुड नॉट इवन अप्रोच देम। शी स्टूड फॉर आवर्स ऑन एंड आफ्टर मच बेगिंग इफ सम बॉडी टुक पाइटी ऑन हर शी रिटर्न होम विथ लिटिल वाटर। वह एक छोर पर घंटों खड़ी रहती थी और बहुत निवेदन करने पर यदि किसी ने उस पर दया कर दी तो वह थोड़ा सा पानी लेकर घर आ जाती थी। समथिंग ऑफ द सॉर्ट मस्ट हैव हैपन्ड ही थॉट एंड हिज ओवन आईज टू फिल्ड विथ टीयर्स। उसने ये सब मालूम था, शायद आज वहाँ पानी बिल्कुल नहीं था, फिर भी किसी को भी उस पर तरस खाने के लिए समय नहीं था। कुछ न कुछ इस तरह बात शुरू होगी उसने सोचा, और उसकी अपनी आँखें भी आंसू से भरे आईं। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में जो कठिन वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड अटर, UTTER, अटर का अर्थ है स्पीक, बोलना, एम्पटी, खाली, अर्थन, EARTHEN, मिट्टी का बना हुआ, पिक्चर, मिट्टी का घड़ा, PITCHER, वाइपिंग, WIPING, वाइपिंग का अर्थ होता है पहुँचते हुए, साफ करते हुए, आउट ऑफ साइट, दृष्टि से ओझल, ओवरवेल्म, भर उठा, रिमोर्स, पश्चाताप, मदरलेस, बिना माँ बाप के, अफेक्शनेट, स्नेही, ड्यूटीफुल, कर्तव्यनिष्ठ, इम्पॉसिबल, असंभव, अनअवेयर, अनजान, प्राइवेट, निजी, टैंक का तालाब, बॉटम, तल, क्राउडिंग, भीड़भाड़, जॉस्लिंग, JOSTLING, जॉस्लिंग का अर्थ था धक्का मुक्की, चिट ऑफ ए गर्ल, इतनी छोटी लड़की, अप्रोच का अर्थ होता है पहुँचना, APPROACH। तो प्यारे बच्चों, आज इस कहानी को हम यहीं समाप्त करेंगे। आगे की कहानी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी लॉन्ग है। आप प्रत्येक चीज़ को समझें, और कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, आपकी समस्या का समाधान होगा। थैंक यू वेरी मच।